मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोगों को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोगों को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया, हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में साथ हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन को पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा, पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा, वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है, कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करें, 27 तारीख तक, 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है, हम हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सुख मिला, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और देखते हैं आसमान का रूप, आप लोग एक काम करो, ऐसा ऐसा घर चले जाओ प्लीज। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.